गुंडावा रूपखंड की ग्राम पंचायत जिंदोली में वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भूमाफियाओं से मिलीभगत कर अवैध प्लॉटिंग के लिए एक बार फिर हरे भरे रोड के दोनों तरफ खड़े सफेदा के करीब 20 से 30 पेड़ों पर लालच की आरी चढ़ा दी। सफेदा के पेड़ों को काटने की जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे मीडिया कर्मियों ने जब इस अवैध हरे पेड़ों की कटाई के बारे में वन विभाग चौकी ततारपुर के फॉरेस्टर प्रदीप यादव से मोबाइल के माध्यम से जानकारी चाही तो उन्होंने कुछ देर में मौका देखने की बोलकर फोन काट दिया। इस दौरान वन विभाग के उच्च अधिकारियों को हरे पेड़ों की अवैध कटाई के बारे में मीडिया कर्मी ने जानकारी दी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पहुंचे वन विभाग चौकी ततारपुर के अधिकारी प्रदीप यादव व कर्मचारियों ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों व मीडिया कर्मियों को मोबाइल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक सूखा पेड़ कटने की जानकारी दे डाली, जबकि वहां बड़ी मात्रा में हरे पेड़ों की कटाई हो चुकी थी। जब फॉरेस्टर प्रदीप यादव का जवाब सुनकर मीडिया कर्मियों ने वहां के फोटो व वीडियो वन विभाग के उच्च अधिकारियों व फॉरेस्टर प्रदीप यादव को डाले तो सभी अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिससे वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ गई है। अब वन विभाग के रेंजर ललित कुमार ने विभागीय स्तर से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। अब देखना यह है कि वन विभाग इन माफियाओं में मिलीभगत करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करता है।